और यासिमरन साहब की जो जान को जो खतरा है इसके बचाव के लिए हमें एक सीरियस एफर्ट करने की जरूरत है। वो खुद पाकिस्तान से भी उठाना है और ज्यादा जो असर होगा इसका उन देश पर रख के साथ इसको उठाने पर वहां पर हम इसको उठाएं और इन ज्यादा पैदा अपनी जिम्मेदारी जो मुझ पर है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस हवाले से। दूसरा ये था कि अपना इसमें मैं जो अर्ज करना चाहता हूं मलखा ने कुछ जान की है बात यह है कि मैं ये कहता था कि किसी मिनिमम कानून पर हमें इकट्ठे होने की एक बयानिया तो हम रखे ना अपना फिर क्या कर रहे हैं और जब एक बयानी कायम हो जाए तो उसमें डट कर लोग खड़े रहे फिर इधर उधर ना देखें कि ये नाराज हो जाएगा वो नाराज हो जाएगा फलाना खुश होगा फलाना क्या होगा उससे फिर हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बात यह है कि इसमें मैं अक्सर कहूं कि क्योंकि वो जो मेरे जज्बात थे और दूसरा तीसरा वो कुछ लोग मुझे गैर संजीदा कहते हैं कुछ संजीदा अक्सर मेरे बारे में कहा जाता कि जी मैं गैर संजीदा हूं संजीदा वो जो आकर बैठ कर तब उसको बना लेते हैं तलकात वो संजीदा मैं बना नहीं सकता मैं गैर संजीदा हो जाता तो शिकायत ना करूं मैं। हाँ जी कोई उसमें मैं अक्सर करना चाहता हूं कि यह कि आपको इस बात का इशारा कि कोई कांग्रेस शांग्रेस आपकी हिमायत में नहीं है इनको ये कहना पड़ेगा कि तुम हमारी पुलिस लड़ाई करो ये जरूरी है इसके लिए। लेकिन बात यह है कि वो बात करने की जो अब यह है कि उधर भी हम करें ना वो फलाना उधर भी कहें तो फिर मुश्किल हो जाता है कि वो बात शायद बन ना पाए उस तरह से इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि रहेगी बात यह है कि मैं मतलब मैं अपनी गलती बात करता हूँ मलिक साहब कि मैंने काफी बातें सुनी सबने बातें की हैं बड़े मतलब आपने भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं गिरान साहब ने भी की सबने की तो मेरा ये ख्याल है कि हम उस मीटिंग के लिए अपनी बातें छोड़ दें जी जी उस मीटिंग के लिए अपनी बातें छोड़ दें और कल हमने परसों जो मैंने बुलाया है इजलास इसलिए कि सारे लोग वो बातें करते हैं तो कल मुझे बात समझी में करें ना बात इसीलिए रखा है कि इन कैमरा सेशन ताकि उनको उनको वो जो चेहरे पर ग्राफ नहीं चढ़ाते कोई देख ना सके चलो इसी तरह बात करें करें ना बात सारे